मॉर्निंग 10th क्लास टुडे वी विल स्टडी प्लांट हार्मोन्स। बच्चे जिस तरह अपन लास्ट वीडियो दे विच एनिमल हार्मोन्स बारे पढ़ चुके हैं, स्पेशली इन ह्यूमन्स के हार्मोन्स जिहड़े आ ह्यूमन्स दीआं बहुत सारीआं प्रोसैसिस जिहड़ीआं उहनां नूं कंटिन्यू करदे आ, ठीक आ, ग्रोथ और डिवलपमेंट दे विच हैल्प करदे आ। इसे तरीके नाल प्लांट्स दे विच वी हार्मोन्स हुंदे ने जो उन्हां दीआं जिन्नीआं वी एक्टिविटीज हो रहीआं ने उहनां नूं कंट्रोल करदे आ, उहनां दी ग्रोथ नूं उहनां दी डिवलपमेंट नूं वी कंट्रोल करते हैं। सो जिहड़े प्लांट हार्मोन्स आ स्पैशली फोर टाइप्स होंदे आ, ठीक आ। सो लेट्स स्टार्ट। सब तो फर्स्ट आ ऑक्सिन्स, ओके। इट ब्रिंग सैल इलोंगेशन। देखो जिहड़े प्लांट दे सैल होंदे आ ना उहनां दी जिहड़ी इलोंगेशन आ उह किहड़े हार्मोन द्वारा होंदी आ, ऑक्सिन हार्मोन द्वारा। इट इनिशिएट्स द फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड स्टैम्स इन प्लांट्स। प्लांट्स दे विच जिहड़ी रूट्स दी जां फिर जिहड़ी स्टैम्स दी ग्रोथ हो रही है, ठीक आ, उह वी देखो जदों आपां इक प्लांट लगा दिंदे आ सब तों पहलां छोटा हुंदा है, हौली हौली उह की आ ग्रो करदा है। सो उह ग्रो किहदी हैल्प दे नाल करदा है, इन्हां हार्मोन्स दी हैल्प दे नाल, ठीक आ। सो ऑक्सिन हार्मोन जिहड़ा है रूट्स और स्टम्स की जिहड़ी ग्रोथ आ उहदे विच हैल्प करदे आ। इट आलसो इनक्रीजिस रेस्पीरेशन रेट इन प्लांट्स। देखो जिहड़े प्लांट्स आ उह वी इक तरह के लिविंग बींगस आ और उह वी रेस्पायर करदे आ। सो उहनां दे विच जिहड़ी रेस्पीरेशन आ उहनूं वी कंट्रोल कौन करदा है, ऑक्सिन हार्मोन। नैक्सट आ जिब्रेलिन। बच्चे जिहड़ा जिब्रेलिन आ इट प्रमोट्स सैल डिविजन एंड सैल इलोंगेशन। इह सैल इलोंगेशन दे नाल नाल सैल डिविजन भी प्रमोट करदा। देखो सैल डिवाइड होणगे, ठीक आ, जिस तरह आपां पढ़ चुके हाँ कि कोई भी मल्टी सैलर ऑर्गनिजम आ उह सैल्स तो बनते हैं, ठीक आ, और उहनां दे विच की आ सैल डिविजन हुंदी आ, भाव जिहड़े सैल आ उह टुटदे आ और नवे सैल बनते आ, और जदों नवे सैल बनते आ उहनां दे नाल की हुंदी आ उहनां दी ग्रोथ होंगी ऑर्गनिजम्स की। सो प्लांट एक तरह का मल्टी सैलर ऑर्गनिजम आ, सो ये की आ सैल डिविजन होंगी और सैल इलोंगेशन होंगी है जिदे की आ प्लांट्स की ग्रोथ होंगी है। सो इट इनक्रीजिज द लेंथ ऑफ इंटरनोड्स। प्लांट्स के जो स्टैम्स होंगे ने उहदे विच नोट्स और इंटरनोट्स होंदियां ने जो आपां 9th क्लास दे विच ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो उहनां दी जिहड़ी लेंथ आ उहनूं इनक्रीज करन दे विच जिब्रेलिन हैल्प करदा है। इट आलसो प्रमोट फ्लावरिंग इन सम प्लांट्स। कुछ प्लांट्स दे विच देखो बच्चे जिहड़े फ्लावर्स लगदे आ, ठीक आ, सो उह जिहड़े फ्लावर्स आ उहनां दी जिहड़ी ग्रोथ आ उहनूं वी कौन प्रमोट करदा है, जिब्रेलिन हार्मोन। नैक्सट थर्ड हार्मोन आ साइटोकाइनिन, ठीक आ। साइटोकाइनिन जिहड़ा है इह वी की आ सैल डिविजन नूं प्रमोट करदा। इट आलसो प्रमोट सैल डिविजन। दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसनट्रेशन इन फ्रूट्स एंड सीड्स। बच्चे जिहड़ा साइटोकाइनिन हार्मोन आ इह ज़्यादातर बहुत सारी कंसनट्रेशन दे विच किहदे च प्रेजेंट हुंदा है, प्लांट दे किहड़े हिस्सिआं च, फ्रूट्स एंड सीड्स दे विच। सो आपां इदां कह सकदे हां कि साइटोकाइनिन कादी फॉर्मेशन दे विच हैल्प करदा है, प्लांट्स दे फ्रूट्स एंड सीड्स। सो बच्चो ये जिहड़े 3 हार्मोन्स आ ऑक्सिन्स जिब्रेलिन साइटोकाइनिन स्टिमुलेट द प्लांट ग्रोथ, देयर फॉर दीज आर कॉल्ड ग्रोथ प्रमोटर्स। बच्चे ये जिहड़े 3 हार्मोन आ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन आ प्लांट्स दे, ठीक आ, और ये की करदे आ प्लांट दी ग्रोथ दे विच हैल्प करदे आ। सो इन्हां नूं किहड़े हार्मोन्स कहा जाता है, ग्रोथ प्रमोटर्स। 10th क्लास दे विच तुहानूं बोर्ड दे विच एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रोथ प्रमोटर्स हार्मोन्स किहड़े हुंदे आ। सो तुसीं याद रखना है ऑक्सिन जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन जिहड़े आ ये ग्रोथ प्रमोटर्स हुंदे आ। बच्चो लास्ट नाउ 4th एबिसिक एसिड। बच्चो इट इज़ ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। सब तो पहला तो मैं तुम्हें यह दसदा कि जिस तरह वो वाले ग्रोथ प्रमोटर्स होंगे आहड़ा हों ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन हों, ठीक है। सो प्लांट आलसो नीड सिग्नल्स टू स्टॉप ग्रोइंग। देखो बच्चे इनू ग्रोथ इनहिबिटर क्यों कहा जाता, इनहिबिटर का भाव रोकना। सो जोड़े प्लांट्स आ वो मतलब हर टाइम ग्रो नहीं कर सकते, भाव जिस तरह आपनी एक एज लिमिट होंगी है, ठीक है, कि आप इन्नी एज के इन्ना ग्रो कर सकते, उस तो बाद आप ग्रो नहीं करते। सो प्लांट्स की भी एक लिमिट होंगी है कि सिर्फ वो उन्ना ही ग्रो कर सकते हैं जिन्हें भी प्लांट्स के पार्ट आ, ठीक है, चाहे वह स्टैम्स आ, लीव्स आ, फ्रूट्स आ, फ्लावर्स आ, उन्होंने एक लिमिट होंगी है कि वह सिर्फ इन्ना ही ग्रो कर सकते, उस तो बाद ग्रो नहीं कर सकते। सो कि हार्मोन आ जिहड़ा उन्होंने उन्होंने जी ग्रोथ आ उन्होंने इनहिबिट करता है, एबिसिक एसिड। सो तुसीं इस नूं याद रखना है।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਿਗਨਲਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਨ ਬਾਈ ਅਬਿਸਿਕ ਐਸਿਡ ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਹਾਰਮੋਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਟ ਆਲਸੋ ਕਾਜ਼ਸ ਏਜਿੰਗ ਐਂਡ ਵਿਲਟਿੰਗ ਇਨ ਲੀਵਸ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਝੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਤਝੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਸ ਆ ਉਹ ਡਰਾਈ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਰਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਆ ਮਤਲਬ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਸ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਲਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਮੁੜਨਾ ਏਜਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਸ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਬਿਸਿਕ ਐਸਿਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਲੀਵਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗਰੋਥ ਇਨਹਿਬਿਟਰ ਹਾਰਮੋਨ ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀ ਪਲਾਂਟ ਹਾਰਮੋਨਸ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਰ ਵਾਚਿੰਗ ਵੀਡੀਓ